नमस्कार दोस्तों, डीके थ्री होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप जानते ही हैं मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिज़ाइन और उसी के साथ साथ में होम डिज़ाइन के बारे में हर तरह की जानकारी लाने की कोशिश करता हूँ। तो आज का प्लान जो है 33 फीट बाय 53 फीट का है, मतलब 33 फीट बाय 53 फीट का है, जिसमें एक काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन सा प्लान हमने बनाया था। यह पूरा प्लान जो है आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा, तो लास्ट तक पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी बढ़िया सा प्लान है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है फ्रंट साइड जो है लगभग, मतलब 33 फीट का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शेड्यूल ऑफ ओपनिंग है। थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं शेड्यूल ऑफ ओपनिंग है, मतलब डोर्स और विंडोज़ के साइजेस बताए गए हैं। इस प्लान में जो है एक्सटीरियर वॉल जो है 9 इंच की और इंटीरियर वॉल जो है 4 इंच के लिए है। तो इसमें जो है हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 6 इंच की भी ले सकते हैं और ये 4 इंच की भी ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 33 फीट प्लॉट का फ्रंट है और यहाँ पर मेन गेट बताया है। और उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट से हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह मिलती है। अब यहाँ पर का जो गेट है हम इस साइड में भी लगा सकते हैं या तो सेंटर में भी लगा सकते हैं, मतलब हम हमारे हिसाब से ये एडजस्ट कर सकते हैं। और राइट साइड में आप देख सकते हैं पूरा गार्डन के लिए एरिया दिया गया है इस साइड में और यहाँ पर काफ़ी बड़ा स्पेस है, मतलब यहाँ पर भी हम बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं या तो हम हमारे हिसाब से ये जगह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग पार्किंग के लिए एरिया दिया गया है, सब लगभग लेन में आप देखेंगे तो 12 फीट 6 इंच का है और यहाँ पर का लगभग 4 फीट का पैसेज हमें फिर भी एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब लगभग 16 फीट 6 इंच का यहाँ पर हमें पार्किंग के लिए जगह मिलती है लेंथ में। और यहाँ पर विड्थ जो है काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 32 फीट 4 इंच की है। उसके बाद में यहाँ पर स्टेप चढ़ के इस वरांडे पर हम पहुँच रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वरांडे से हम एंट्री करेंगे हमारे इस हॉल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है मेन डोर रहेगा, बड़ा सा डोर लगा देंगे और यहाँ से एंट्री कर सकते हैं इस हॉल में। 15 फीट बाय 15 फीट का यहाँ पर हॉल का साइज़ बताया गया है। और फ्रंट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक विंडो हम लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड से हम इस एरिया में आ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन टॉयलेट बाथरूम बताया गया है। यहाँ पर एक बाथरूम और यहाँ पर एक टॉयलेट बताया है। बाथरूम का साइज़ है 7 फीट बाय 4 फीट का और 4 फीट बाय 4 फीट का टॉयलेट बताया गया है। दोनों के पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन पैसेज छोड़ा गया है, लगभग ये पूरी गली छोड़ी गई है, तो यहाँ से इस बाथरूम और टॉयलेट को वेंटिलेशन मिल जाएगा। और ये जो बाथरूम टॉयलेट है किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इस लिविंग रूम से हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डोर रहेगा, यह डोर ओपन करके ये स्टेयरकेस यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये सीढ़ी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर की मंजिल पर जाना है तो हम यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में हम यू टर्न करके फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। उसी के बगल में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बेडरूम बताया गया है, 12 फीट 10 इंच बाय 12 फीट का इस बेडरूम का साइज़ बताया गया है, मतलब काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन सा साइज़ बताया गया है। इसे 2 विंडोज़ बताए गए हैं यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 2 विंडोज़ की वजह से वेंटिलेशन जो है काफ़ी बढ़िया रहेगा और बेहतरीन रहेगा। पीछे चलते हैं, पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है डाइनिंग का एरिया दिया गया है, लगभग 10 फीट 1 इंच बाय 10 फीट का यहाँ पर डाइनिंग का एरिया दिया गया है, मतलब डाइनिंग का एरिया जो है लगभग सेपरेटली दिया गया है, अलग दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइनिंग के लिए यहाँ पर एक छोटा सा विंडो बताया गया है। उसके बाद में आप देख सकते हैं राइट साइड में देखिए यहाँ पर आपको एक मास्टर बेडरूम का डोर नज़र आ जाएगा। ये जो मास्टर बेडरूम का डोर है यहाँ से हम एंट्री करेंगे तो 13 फीट 5 इंच बाय 11 फीट का हमारे मास्टर बेडरूम का साइज़ मिलता है। और ये जो बेडरूम है इस बेडरूम को पीछे की साइड में एक डोर बताया गया है इस गैलरी को यूज़ करने के लिए, तो 3 फीट का जो है गैलरी यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद में ये जो बेडरूम है ये मास्टर बेडरूम है, इसे अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है जो अंदर से यूज़ करेंगे। और इसके फ्रंट में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पोर्शन बचता है यहाँ पर हम छोटा सा फर्नीचर वगैरह बना सकते हैं, छोटा सा स्टोरेज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है किचन में एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पर एक डोर रहेगा। किचन का साइज़ है 10 फीट बाय 10 फीट का, क्योंकि डाइनिंग का एरिया सेपरेट है तो किचन का साइज़ जो है सफिशियंट है। उसके बाद में किचन को यहाँ पर एक डोर बताया गया है इस वॉश एरिया को यूज़ करने के लिए, तो यहाँ पर जो है वॉश एरिया छोड़ा गया है और यहाँ पर एक विंडो रहेगा, तो यहाँ से इस किचन को वेंटिलेशन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कुल मिलाकर 33 फीट बाय 53 फीट का यह पूरा प्लॉट का एरिया था, मतलब 33 फीट बाय 53 फीट का, जिसमें यह पूरा प्लान हमने बिठाया है। आशा करता हूँ आज का ये जो छोटा सा जो प्लान है आपको डिटेल में समझ में आया और पसंद भी आया है। अगर आपको यह प्लान पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी का फ़ायदा हो सकता है, किसी को कुछ आइडियाज़ आ सकती है उनके प्लान के लिए, उनके घर के लिए, उनके मकान के लिए, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर से किसी की मदद हो सकती है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।